हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन एंड साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट थ्री, देन कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए, इसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ये हमारे पास है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। इसी क्वेश्चन का हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस टू इंटू में कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। इसे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। ये हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट में थ्री। इस इक्वेशन का भी दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर। यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस टू इंटू में साइन एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा थ्री। इसे हम इक्वेशन नंबर फोर बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर को ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा वन प्लस। हम देखिए, इन दोनों में से टू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टू इंटू में कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा फोर। ये हमारे पास हो जाएगा टू प्लस टू इंटू में, हम देखिए ये कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन एक्स इंटू में साइन बी के फॉर्म में है तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। टू को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा टू इंटू में कॉस एक्स माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर माइनस टू। हम देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टू कॉस वाई इज इक्वल टू टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू वन। कॉस वाई इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू जीरो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। y की वैल्यू पुट करेंगे जीरो तो हमारे पास हो जाएगा टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। अब कॉस टू एक्स का फार्मूला हम सब जानते हैं, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। टू इंटू में कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वन बाई टू, ये हो जाएगा वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू इंटू में वन बाई फोर माइनस वन। टू से फोर कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा टू, यहाँ से हमारे पास कॉस टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस फोर वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है जीरो, यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा जीरो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर टू एक्स। इसे हम लिख सकते हैं कॉस 2x का होल स्क्वायर। कॉस 2x की वैल्यू आ गई है माइनस वन बाई टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।